हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 3.4, इसमें आपको सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड हम पहले बता चुके हैं, एलिमिनेशन मेथड से हम आपको सॉल्व करवा दे रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको खुद से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, सॉरी एलिमिनेशन मेथड क्या होता है समझ लो। सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं, x प्लस वाई इक्वस टू 5। यहाँ पे हमारे पास है 2x माइनस 3y इक्वस टू 4। इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक चीज़ किसी को, चाहे x को चाहे y को, एलिमिनेट करना है। यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा है, किसको एलिमिनेट करना है, तो हम किसी को एक को एलिमिनेट करेंगे। कैसे एलिमिनेट करते हैं? यहाँ 2x है तो यहाँ पे 2x होना चाहिए, तभी ये कैंसिल हो सकते हैं। तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वस टू 10, है ना। ये इक्वेशन 1 को हमने यहाँ ले लिया। अब यहाँ पे कर दो, यहाँ साइन नेगेटिव होना चाहिए, तभी ये सब्ट्रैक्ट हो सकता, तभी ये कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ अगर साइन ले रहे हैं तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सब जगह साइन चेंज करना पड़ेगा। ये कंडीशन सबके लिए अप्लाई है, अगर एक में करा तो सारी इक्वेशन में। ओके, तो ये दोनों कैंसिल। यहाँ पर 3y है, यहाँ पर अब माइनस का 2y है। अब इसको साइन को मान लो कि ये नेग्लिजिबल है, अब ये नहीं है, इसको यूज़ करेंगे। तो माइनस 3y माइनस 2y माइनस 5y इक्वस टू 4 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 6 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, देन y इक्वस टू 6y 5। ये y की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू को हम किस में पुट करें, चाहे फर्स्ट में कर दो, चाहे इन तीनों किसी में भी कर दो। फर्स्ट ये वाली फर्स्ट है तो ये भी फर्स्ट ही है ना, तो इसमें पुट कर दे रहे हैं। x प्लस वाई इक्वस टू 5, x प्लस वाई 6y 5 इक्वस टू 5, देन x इक्वस टू 5 माइनस 6y 5। 1 कर लिया, x इक्वस टू यहाँ 5 ले लो एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा 5/25 माइनस 6, यानी कि x इक्वस टू 19/5। ये आपकी x की वैल्यू हो गई, और पहले हमने y की वैल्यू निकाल चुके हैं। तो ये आपका कौन सा मेथड है? एलिमिनेशन मेथड है। इसका एक और पार्ट करा रहे हैं आपको, ये आपका इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या कह रखा है इसमें, 3x प्लस 4y इक्वस टू 10, यहाँ पर 2x माइनस 2y इक्वस टू 2। चाहे तो इसको एलिमिनेट कर लो, चाहे इसको एलिमिनेट कर लो। इसको एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, इस 3 का मल्टीप्लाई इस सब के साथ कर दो। तो उल्टा कर रहे हैं हम, यहाँ मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ मल्टीप्लाई बाई 3, ऐसे कर दे रहे हैं पूरी इक्वेशन को। यहाँ पे हो जाएगा 6x प्लस 8y इक्वस टू 20, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 6x प्लस 4y इक्वस टू 4, सॉरी 6 और 3 टू 6, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, 3 टू 6, सब प्लेस पे यहाँ 6 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ माइनस 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 हो गया। ओके, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 8 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2y आएगा, और 20 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 14। ओके, देन y इक्वस टू 14/2, 2 से इसको कैंसिल कर दो, 7 हो गया, y की वैल्यू आ गई 7। अब इस वैल्यू को किस में पुट कर दें, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में ही कर देते हैं। 3y प्लस 4y इक्वस टू 10, y की प्लेस पर क्या है, 7, तो 3x प्लस 4y, 4 इंटू 7 इक्वस टू 10, तो ये हो जाएगा 3x इक्वस टू 10 माइनस 28, 4 7 28 हो जाएगा। 3x इक्वस टू, यहाँ वैल्यू आएगी आपकी, 28 में से 10 माइनस करोगे तो माइनस का 8, 12 माइनस 18, 28 में से 10 माइनस कर दो, माइनस 18 आ जाएगा, देन x इक्वस टू माइनस 18/3, 3 से इसको कैंसिल कर दो, 3 6 18, x इक्वस टू माइनस 6, इट्स योर आंसर x और y। अब आपको क्या करना है, इसका थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, ये आपको अपने आप से सॉल्व करना है एज अ होमवर्क। ओके, इसमें इस क्वेश्चन को करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है कि 2 3 6 है, 6 से मल्टीप्लाई कर लेना है पूरी इक्वेशन में। चलो हम थोड़ा सा इसको बता दे रहे हैं, एक्स वाई 2 इंटू 6 प्लस 3y बाय 3 इंटू 6 इक्वस टू माइनस 6, है ना, 1 इंटू माइनस 6, तो ये 2 3 6, 3 2 6, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6y इक्वस टू माइनस 6, ये हो जाएगा आपका।
इक्वेशन ऐसे इसको कर लेना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना तो दो इक्वेशन आ जाएंगे आपके, और उसको फिर सॉल्व कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू वेरी मच।